एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1, एक फिगर दिया हुआ है, ऐसे एक सर्कल दिया है, यहाँ एक कॉर्ड दिया है ईडी, एक डायमीटर है एसी, सेंटर है ओ, ये ओ भी एक रेडियस हो गया, यहाँ पे शेडेड पोर्शन है वो भी शेडेड है, यहाँ पर एक पॉइंट है पी और बाहर में एक पॉइंट है क्यू। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, उसका आंसर हमको फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेंटर कौन सा होगा, इसमें से सेंटर होगा ओ, फर्स्ट का आंसर हो गया। बी थ्री रेडियस, तीन रेडियस का हमको नाम लिखना है, ओ ए ओ बी और ओ सी, ये तीनों रेडियस है, तो ओ ए ओ बी एंड ओ सी। फिर सी का कुछ आंसर है ये डायमीटर, डायमीटर यहाँ पे ए सी है, एक कॉर्ड, कॉर्ड यहाँ पर ई डी भी है और ए सी भी है, तो ई डी को लिख देते हैं। फिर पूछा है टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर, अंदर में दो पॉइंट का नाम लिखना है, एक पॉइंट ओ है दूसरा पॉइंट पी है, ओ एंड पी। फिर एफ में पूछा गया है ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर में, सर्कल के बाहर में पॉइंट है क्यू। फिर जी का आंसर हो जाएगा ए सेक्टर, ये सेक्टर है ये वाला ओ ए बी, ये जो शेडेड पोर्शन है ए ओ बी, शेडेड रीजन ये सेक्टर है। और एच में पूछा है ए सेगमेंट, ये सेगमेंट है, सेक्टर हमेशा सेंटर से आता है, दोनों रेडियस उसमें रहता है, और सेगमेंट क्या है ना, एक कॉर्ड सर्कल को एक सेगमेंट में डिवाइड करता है, ये माइनर सेगमेंट ये मेजर सेगमेंट, इस तरह से कहा जाता है, तो सेगमेंट का नाम हो जाएगा ई डी, यहाँ भी शेडेड है, शेडेड रीजन लिख देंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑल्सो ए कॉर्ड, तो ये आंसर ट्रू होगा, ट्रू इसलिए होगा क्योंकि कॉर्ड जो होता है वो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है, यहाँ पे और यहाँ पे टच किया, यहाँ पे और यहाँ पे टच किया, तो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, और ये जो कॉर्ड है ये डायमीटर भी है, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल कहा जाता है। ठीक है, इसलिए उसका आंसर ट्रू हो गया। सेकेंड पूछा है इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर, क्या हर एक कॉर्ड डायमीटर होता है, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ई डी एक कॉर्ड था, लेकिन ये तो डायमीटर नहीं है ना, डायमीटर कौन सा है, ए सी है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सर्कल बनाना है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही है, उसी डायग्राम को बना देने से सब बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डायग्राम को यही रखता हूँ, और जो जो कहा है देखो सब मिल जाएगा इसमें। ड्रॉ ए सर्कल एंड मार्क, एक सर्कल मैंने ऐसे बना लिया, यहाँ पे पूछा है इट्स सेंटर, सेंटर है ओ, ए रेडियस कोई भी एक रेडियस का नाम लिख दो, मैंने ओ भी नाम लिख दिया, ए डायमीटर, डायमीटर यहाँ पे ए सी हो गया, ए सेक्टर, सेक्टर ए डी हो गया, ए सेगमेंट, ए सेक्टर हो गया ए ओ बी, ए ओ बी, और ए सेगमेंट, सेगमेंट ए डी हो गया। फिर ए पॉइंट इन इंटीरियर, इंटीरियर में पॉइंट है पी, ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में पॉइंट है क्यू, और एन आर्क, यहाँ पर बहुत सारा आर्क है, ए बी है, बी सी है, तो हम ए बी आर्क ले लेते हैं, ए बी आर्क में इस तरह से दे देंगे। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर थ्री तो हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर, से ट्रू और फॉल्स, टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। अगर सर्कल के अंदर दो डायमीटर होगा तो वो जरूर इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा क्वेश्चन में बता रहा है। तो क्या ये सही है या गलत है? तो देखो, हम एक सर्कल अगर बनाते हैं, सपोज ये डायमीटर है और दूसरा डायमीटर, तो डायमीटर तो हमें से ओ से ही पास होगा, ठीक है, ए बी सी डी। तो सी डी भी एक डायमीटर है और ए बी भी एक डायमीटर है, लेकिन दोनों ही ओ से पास होगा, सेंटर से पास होगा, तो दोनों इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है। तो टू डायमीटर ऑफ सर्कल नेसेसरली इंटरसेक्ट, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है, द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स सेंटर। सेंटर सेंटर ऑफ सर्कल तो सेंटर में होगा ना, मतलब सर्कल के अंदर में ही होगा, बाहर में तो नहीं होगा। सेकंड का भी आंसर हो गया ट्रू, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इंटीरियर। ठीक है, कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज।